अब वैसे तो अभिनेता सनी देओल को काफी शांत स्वभाव का माना जाता है, लेकिन सनी पाजी को जब गुस्सा आ जाता है तो वो फिर किसी की भी नहीं सुनते हैं। सलमान खान की फिल्म वांटेड का डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और ये डायलॉग असल जिंदगी में अभिनेता सनी देओल पर बिल्कुल फिट बैठता है, तभी तो सनी देओल अपने दुश्मनों को कभी भी माफ नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए सनी देओल को फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए करीब 40 साल से ज्यादा समय हो गया है और इस दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत भी कमाया। अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक तरफ जहां वो इंडस्ट्री में छाए रहे तो वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी ज्यादा विवाद भी देखने को मिला। शांत स्वभाव के रहने वाले अभिनेता सनी देओल को लेकर हमेशा से ही चर्चाएं की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर उनका गुस्सैल रवैया भी कई सारे स्टार्स पर भारी पड़ चुका है। और इसी कड़ी में हम आपको सनी देओल के उस फैसले के बारे में बताने वाले हैं जिस फैसले की वजह से आज यशराज फिल्म्स को सबसे बड़ा झटका लग चुका है। यानी सनी देओल ने अपने गुस्से की वजह से यशराज फिल्म्स को करीब 300 करोड़ रुपए का चूना लगवा दिया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अभिनेता सनी देओल यशराज फिल्म से नफरत करने लगे थे। कभी भी उन्होंने बॉलीवुड के इस बड़े बैनर के साथ काम ना करने का फैसला किया था, जिस फैसले पर वो कायम भी रहे। यशराज बैनर के साथ उनके विवाद की शुरुआत होती है साल 1993 में, जब सनी देओल दो हीरो वाली फिल्म में काम करते हैं। 1993 में उनकी फिल्म डर रिलीज होती है, जो फिल्म काफी बढ़िया तरीके से हिट भी साबित होती है। इस फिल्म में उनके अपोजिट किंग ऑफ रोमांस के नाम से मशहूर अभिनेता शाहरुख खान नजर आते हैं। शाहरुख का इस फिल्म में ग्रे शेड वाला किरदार था, यानी वो इस फिल्म में विलन के तौर पर दिखाई देते थे। लेकिन यश चोपड़ा ने इस फिल्म में शाहरुख खान को जो किरदार दिया था वो किरदार कहीं ना कहीं सनी देओल पर भारी पड़ रहा था, जिसके खिलाफ अभिनेता सनी देओल हुए। लेकिन यश चोपड़ा ने उनकी एक भी ना सुनी और स्क्रिप्ट में बिना बदलाव किए फिल्म की शूटिंग कर दी और बाद में इसे रिलीज भी कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सारी लाइमलाइट अभिनेता शाहरुख खान के झोले में आ गई। तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल इस फिल्म में सेकंड लीड हीरो के तौर पर ही दिखाई दिए। सनी देओल को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सनी देओल की गुस्से का आप अंदाजा इस कदर भी लगा सकते हैं कि उस दौरान सनी देओल ने अपनी पैंट के जेब में हाथ डालकर उसे फाड़ तक दिया था। यश चोपड़ा ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा गए थे, वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान की रातों की नींद उड़ गई थी। तो तभी अभिनेता सनी देओल ने ये कसम खाई थी कि वो कभी भी यशराज बैनर के साथ नहीं काम करेंगे, जो उन्होंने करके भी दिखाया। धीरे धीरे समय बीता और आने वाले समय में अभिनेता सनी देओल कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बने और इस दौरान उन्होंने ना सिर्फ यशराज बैनर को बायकॉट किया, तो वहीं दूसरी ओर अभिनेता शाहरुख खान के साथ उन्होंने कभी भी किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। फिर समय आया 2018 का, जब 2018 में अभिनेता सनी देओल अपनी फिल्म मोहल्ला 80 की शूटिंग कर रहे थे, जहां पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी की मुलाकात अभिनेता सनी देओल के साथ होती है और सनी देओल और चंद्र प्रकाश द्विवेदी मिलकर एक बड़ी फिल्म पर चर्चा करते हैं, जिस फिल्म का नाम था सम्राट पृथ्वीराज। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार नजर आ चुके हैं, लेकिन ये सबसे पहले अभिनेता सनी देओल को ऑफर हुई थी। चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने फिल्म की कहानी जो लिखी थी उसे सनी देओल को ध्यान में रखते हुए लिखी थी, लेकिन इस फिल्म में अक्षय के आ जाने से सब कुछ बिगड़ गया। अक्षय कुमार इस फिल्म में बिल्कुल भी फिट नहीं नजर आए, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। अब 2018 में मोहल्ला 80 की शूटिंग करने के बाद अभिनेता सनी देओल इस फिल्म में काम करने के लिए अपनी रुचि दिखाए थे। इधर नहीं, उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का मन भी बनाया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म के ऑफर को लेकर किसी बड़े बैनर की तलाश में जुट गए और उनकी तलाश पूरी भी हो गई। बताया जाता है कि यशराज बैनर ने इस फिल्म को बनाने का फैसला लिया था और चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने कहा था कि आप भले इस फिल्म का निर्माण करें, लेकिन इस फिल्म में लीड हीरो के तौर पर अभिनेता सनी देओल को लें। अब यशराज बैनर को लगा कि अभिनेता सनी देओल तो पिछले कई सालों से लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, मैं इन्हें क्यों लूं। तो वहीं दूसरी ओर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने उन्हें यह भी बताया कि मैंने फिल्म की कहानी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए लिखी है, अगर आप किसी भी दूसरे स्टार को इस फिल्म में लेंगे तो शायद ये फिल्म नहीं चल पाएगी, और ऐसा हुआ भी। तो वहीं दूसरी ओर जब इस बात की भनक अभिनेता सनी देओल को लगी तो उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को सिरे से नकार दिया और उन्होंने इस फिल्म में ना काम करने का फैसला लिया था। वहीं दूसरी ओर यशराज बैनर भी अपने घमंड में था, उन्होंने इस फिल्म से अभिनेता सनी देओल को निकलवाने के बाद अक्षय कुमार की एंट्री करवा दी और अक्षय कुमार जैसे कि आप सभी जानते हैं इस फिल्म के लीड हीरो के रूप में नजर आए और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में सम्राट पृथ्वीराज के किरदार में अभिनेता अक्षय कुमार नजर आए और ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। 300 करोड़ रुपए के आसपास इस फिल्म का बजट था, लेकिन फिल्म की कमाई अभी तक 60 से 70 करोड़ रुपए नहीं हो पाई है। उल्टा अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काम करने के लिए पहले से ही 60 करोड़ रुपए की अपनी भारी भरकम रकम ले ली थी। इतने ही, फिल्म के प्रॉफिट में भी उनका हिस्सा होने वाला था, लेकिन फिल्म के सुपर फ्लॉप होने के बाद यशराज बैनर को भी अकल आ गई कि अगर हम सनी देओल की बात माने होते तो हमारा इतना लॉस नहीं होता।